नमस्कार, एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल प्रेजेंट विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ। हमारे इस शो में हमारे साथ है आज निमिषा पारेख, जो सूरत की जानी मानी मेहंदी आर्टिस्ट है। निमिषा जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। थैंक यू। और विश्व महिला दिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। डी कुशाबाई ज्वेलर की ओर से आपको ये गिफ्ट दिया जा रहा है। थैंक यू। और आपका स्वागत और सम्मान करते हैं हम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी। आगे चलते हैं। निमिषा जी एक मेहंदी आर्टिस्ट है, और जिस तरह से उन्होंने उनकी लाइफ जर्नी, मतलब लाइफ में ये आर्टिस्ट बनने का एक सपना और जिस तरह से शुरुआत की है, वो हम आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले निमिषा जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप अभी फेमस कहा जाए तो सूरत की एक मेहंदी आर्टिस्ट है, लेकिन आपने ये कहाँ सीखा और किस तरह से आपने इसकी शुरुआत की, वो मैं जानना चाहूँगी आपसे। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। आपने एक मेहंदी आर्टिस्ट को इस काबिल समझा कि आपके शो पे आ सके, सो थैंक यू सो मच। एंड ऐसा कह सकते हैं कि जर्नी शायद मेरी बचपन से शुरू हुई है। बचपन से मतलब एक्चुअली बचपन से शुरू हुई है, जहाँ पे कभी मेहंदी आर्टिस्ट बनेंगे वैसा कोई सपना नहीं था, क्योंकि हमेशा उस समय ऐसा कहा जाता था कि ये मेहंदी वाली आई है जी। सो वो एक मेहंदी वाली सुनना उस समय बहुत अच्छा नहीं लगता था। सो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड ऐसा होता था कि इस फील्ड को भी एक अलग रिकग्निशन मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो शायद वो चीज़ रही होगी, मुझे ऐसा अब लगता है जर्नी जी। जीते हुए जी। सो फॉर्मली मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली है। मेरे गुरु डेफिनेटली है स्वयं लॉर्ड कृष्णा, क्योंकि मैं उनको बहुत मानती हूँ। इसलिए मुझे लगता है जो मेरे अंदर शायद जो भी थोड़ी बहुत काबिलियत है वो उनकी देन है, और उन्हीं से शायद हमेशा मैं इंस्पायर होती हूँ। उन्हीं से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा आत्मविश्वास मिलता है कि हम सब के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई कला किसी ना किसी स्वरूप में छुपी हुई है जी। हमें जी। शायद उसको सिर्फ निखारने की ज़रूरत है। जी जी जी, जी। लेकिन एक बात और भी मैं पूछना चाहूँगी कि आपने पढ़ाई, मतलब कि एजुकेशन कितना किया हुआ है आपने? मैंने MCOM किया है, मतलब आई एम मास्टर्स इन कॉमर्स। तो मास्टर इन कॉमर्स एंड मेहंदी, दोनों में काफ़ी डिफरेंट भी है। और एक मेहंदी आर्टिस्ट कोई कॉमर्स की स्टूडेंट हो जो ऐसे किया हो और वहाँ जाए, तो ये आपको विचार मतलब कैसा आया? पढ़ाई में इतनी अच्छी आप रही है जी, तो मेहंदी आर्टिस्ट बनने का विचार कैसे आया आपको? जब मैं बहुत छोटी थी तब से मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ पे फंक्शंस बहुत होते थे। फंक्शंस एज इन, जब छोटे बच्चे होते थे तो 5 दिन का एक व्रत का त्यौहार होता था, अलोणा महोत्सव। तो उस समय हमेशा घर के जो बड़े होते थे या आस पास की जो फीमेल्स होती थी, वो कहीं ना कहीं से वो मेहंदी लेके आते थे, खुद बनाते थे और रखते थे तिल्ली से। सो तब से मुझे लगता था कि बहुत फैसिनेटिंग लगता था कि ये कुछ अलग चीज़ है। और मैं ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं हूँ, मैं पेन पेंसिल से बहुत अच्छा ड्राइंग नहीं बना सकती हूँ, पर जैसे ही मेरे हाथ में कोन आता था तो कहीं से वो चीज़ आ जाती थी कि मैं कुछ अच्छा बना लेती थी। और तब मुझे वो चीज़ पता नहीं चल रही थी कि अच्छी है, पर जैसे आपने बोल दिया, किसी और ने बोल दिया कि अरे वाह निमिषा, तुमने तो बहुत अच्छा बनाया है, अप्रिशिएशन जिस तरीके से मिलता था तो मुझे एक और एनर्जी मिलती थी करने के लिए। और शायद कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि लोगों के पास इतना समय नहीं है या मैं इतनी प्रेफरेंस में नहीं आती हूँ, इसलिए लोग मुझे लास्ट में मेहंदी लगाने के लिए प्रेफर करते थे। तो इसलिए मुझे लग रहा था चलो मैं खुद ही लगा लेती हूँ। तो उस तरीके से कहीं ना कहीं से वो एक जर्नी की थोड़ी बहुत शुरुआत हुई थी, मुझे ऐसा लग रहा है। बट वो कितने साल की जब आप थी तभी आपने शुरुआत की? मैं शायद
थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में होंगी जब से मुझे ऐसा ध्यान है कि हमारे यहाँ पे ये सब कल्चर हुआ करता था और हम लोग वो करते थे। बट जैसे जैसे वो एक्सपीरियंस होता रहा तो लोगों के इतने अच्छे प्रतिभाव थे कि तुम मेहंदी बहुत अच्छा लगाती हो, इसलिए लोग मुझे इनवाइट करते थे। अब ये थोड़ी पॉलिश लैंग्वेज है, इनवाइट करते, बट उस समय बोल देते थे निमिषा जरा घर पे शादी है आ जाना ना मेहंदी हाँ लगाने मेहंदी के लिए, और लगाना हम है लोग चले जाते थे। तो उस तरीके से मैंने बहुत छोटी उम्र से शौक की तरह मैंने मेहंदी लगाना लोगों के घर पे जाके शुरू किया था। जी। तब आप जिस तरह से आपने बोला कि काफ़ी साल पहले की ये बात है, और तब ऐसा था कि लड़की बाहर जाती है और जिस तरह से मेहंदी लगाने का काम जो है वो कई बार रात को भी जाना होता है, और रात को वो लेट से भी घर आते होंगे आप, ऐसा भी होता होगा। तो परिवार ने आपके साथ किस तरह से मतलब सपोर्ट किया? मैं बहुत खुश किस्मत हूँ इस मामले में, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स ने कभी मेरा विरोध नहीं किया है कि तुम मेहंदी के लिए इतनी रात रात देर तक बाहर क्यों रहती हो। क्योंकि अब हम लोग शेड्यूल बहुत अच्छे से करते हैं, कौन से टाइम पे मेहंदी लगाना है कैसे, बट उस समय का एक माहौल था जहाँ पे हम लोग रात को 12, 1, 2, 3 बजे तक, 4 बजे तक मेहंदी ऐसे ही रैंडमली लगाते थे। तो उस समय नज़दीक के एरिया में ही हम लोग जाते थे, जैसे हमारी सोसाइटी में, सोसाइटी के आसपास या विद इन सिटी के कुछ एरिया में हम लोग जाते थे। तो बट मम्मी पापा ने हमेशा इतना भरोसा रखा है कि हमारी बेटी कहाँ जा रही है हमें पता है, किन के घर पे जा रही है हमें पता है, और मैं हमेशा इतनी ओपन रही हूँ उनके साथ में, इसलिए एक भरोसा उन्होंने हमेशा रखा, कभी विरोध नहीं किया। शायद मुझे लग रहा है यही सबसे बड़ा सपोर्ट था, और उसी सपोर्ट की वजह से हम लोग इतना काम कर पाए, मेहंदी फील्ड के अंदर इतना काम कर पाए। लेकिन निमिषा जी, मैं एक और बात भी पूछना चाहूँगी कि जब आपने फर्स्ट टाइम ऐसे किसी को आप मेहंदी लगाने गए थे, और फर्स्ट टाइम की अर्निंग आपको किसने, मतलब कितना पैसा आपको मेहंदी लगाने का मिला था तब? मतलब ये शायद 20-25 साल पहले की बात होगी मेरे ख्याल नहीं, से, इट्स मोर देन 30 इयर्स, थर्टी इयर्स थर्टी जी। तो 30 साल पहले थर्टी की हम बात फोर करते ईयर हैं, तो हाँ आपको फर्स्ट टाइम जब आप जो एक्सपीरियंस तब का जो था वो आप जी बताइए, शेयर कीजिए। मैं अगर छोटा सा मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो हमेशा मैंने फ्री में मेहंदी लगाई, क्योंकि जैसे मैंने बताया अप्रिशिएशन होता है तो लगता है चलो मेहंदी लगाओ, और इसमें क्या है, अब उस समय 2-3 रुपए का कोन तो मार्केट से ला रहे हैं या खुद बना रहे हैं तो इतना महंगा नहीं है, इसमें क्या पैसा लेना। पर हमारे ही नज़दीक में एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, ये हुआ कि घर के माहौल में एक शादी हो रही थी, हमारे नज़दीक के रिश्तेदार में एक शादी हो रही थी, और उन्होंने हमें बुलाया, घर के एक दो परिवार के और लोगों को बुलाया जिन्होंने मेकअप किया था, और मैं वहाँ पे मेहंदी के लिए थी। सो मैं वहाँ रात को 3, 3:30 बजे तक थी, सुबह मेरी 6:30 बजे स्कूल के लिए हमें तैयार होकर निकलना होता था। सो वो सब चीज़ बहुत अच्छे से हुई, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, एंड 4-5 दिन के बाद दैट लेडी केम टू आवर प्लेस, हमारे घर पे आए, और हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो उन्होंने जो हमारे एक भाभी थे तो उनको उन्होंने पेमेंट किया, एंड आई वॉज प्लेइंग एज आई सेड, मैं चाइल्ड थी, बच्ची थी, तो मैं नीचे खेल रही थी, और ऊपर जब मैं वापस गई कि अच्छा वो आंटी आए थे उन्होंने मेरे लिए क्या दिया, बहुत खुश होके एक्साइट होके मैं गई कि उन्होंने कुछ तो मेरे लिए गिफ्ट दिया, कुछ तो पैसा दिया। बट जैसे ही मम्मी ने बोला तने कहीं न थी आप यू, बिकॉज बीइंग गुजराती यू नो शी सेड तने कहीं न थी आप यू, तो बस आवीने आपीने चली गया। सो आई वॉज लाइक, मैं इतनी ज़्यादा दुखी हो गई और मैं इतनी ज़्यादा रोई, और उस दिन मैंने अपने आप के साथ में ये चीज़ फिक्स किया, कोई भी चीज़ फ्री में नहीं होती है और फ्री का वैल्यू नहीं होता है, और उस समय मैंने जाना कि आज मैंने फ्री में मेहंदी किया है इसीलिए उन लोगों ने उसका रिवॉर्ड नहीं दिया, मैं अपनी मेहनत का पैसा ले रही हूँ, मैं अपने आर्ट का पैसा ले रही हूँ, चाहे वो 20 रुपया ही देते,
जी बट वो नहीं दिया, तब से लेके मुझे लग रहा है कि मेरी जर्नी की शुरुआत हुई। और ऑफ कोर्स उस समय शायद हमारा 50 रुपया या 100 रुपया ही चार्ज होता था मेहंदी का, जब मैंने जर्नी की शुरुआत की। सो 50-100 रुपये से मैंने शुरुआत की थी। तो ये लाइफ जर्नी की सबसे मतलब इम्पोर्टेंट बात है कि आपकी लाइफ में जो रही है कि नहीं दिया तब से आपको ऐसा लगा कि पैसा मैंने नहीं लिया, वो शायद मैंने गलती की, फ्री में काम किया वो मैंने शायद गलती की। और आज निमिषा जी हमें भी बहुत प्राउड फील होता है, हम भी आपको काफ़ी सालों से देख रहे हैं, जिस तरह से आप कहाँ थी और कहाँ से आज एक फेमस मेहंदी आर्टिस्ट कही जाती है, सूरत की जानी मानी, और जिस तरह से आपने काफ़ी सारे क्लासेस में जो लड़कियों को मेहंदी सिखाई जी, है जी। वो भी बहुत अच्छी, क्योंकि काफ़ी सारी लड़की आती है कि हमने निमिषा जी से सीखी जी, है जी। तो बहुत प्राउड फील होता है। और मेन चीज़ ये है कि आपने कहीं सीखा नहीं है, आपके अंदर एक टैलेंट थी, उसी से आप एक मेहंदी आर्टिस्ट बनी है, तो बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है। और भी एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि सूरत के लिए तो आप फेमस है, लेकिन ये आपकी जो मेहंदी की जर्नी थी, मेहंदी आर्टिस्ट के लिए आप जर्नी जो आपकी रही है जी। वो कौन से सिटी में किस तरह से आपने काम किया है, और स्पेशल किसी को मेहंदी आपने लगाई हो ऐसी कोई बात बताइए। जी वैसे 30+ साल के एक्सपीरियंस में ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, बट एक आर्टिस्ट जो होता है वो कभी एक दायरे में नहीं बन सकता है, और इसलिए मुझे लग रहा है कि जहाँ से ये शुरुआत की थी तो आज हम लोग बहुत सारे कंट्रीज़ के लोगों से जुड़े हुए हैं। मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल किया है। फॉर्चुनेटली अगर मैं बताऊँ तो स्पेशली मेहंदी जब मैंने सीखी नहीं है और मुझे जहाँ पे तकलीफ़ होती थी, मतलब मेहंदी बनाने से लेके मेहंदी लगाने का तरीका, बहुत सारे ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पे मुझे दिक्कत आती थी, मैं अपने अनुभव से सीखी हूँ, और इसीलिए मैंने पूरा एक कोर्स बनाया था कि जहाँ पे शायद आपको मेहंदी लगाना नहीं आता है पर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको अच्छे से सिखा सकती हूँ। सो उसके लिए जैसे मैंने बताया, मेरा खुद का ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है पर मैं मेहंदी बहुत अच्छा लगा सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा पैशन है। तो ये जर्नी को मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, पूरा एक कोर्स स्ट्रक्चर बनाया, और फॉर्चुनेटली US एंड UK जहाँ पे मेहंदी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं वहाँ पे इंडिया से हमें इनवाइट किया गया था, हमारी कंपनी को इनवाइट किया गया था टू टीच मेहंदी आर्टिस्ट फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। सो जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेहंदी आर्टिस्ट इकट्ठा होते हैं, 3 दिन की कॉन्फ्रेंस होती है जो मेहंदी के लिए होती है, और जहाँ पे हम लोग मेहंदी सिखाते थे उन लोगों को। सो इट्स डेफिनेटली अपने ही कल्चर को वहाँ पे प्रेजेंट करना, अलग तरीके से सिखाना, उन लोगों के माहौल को जानना, समझना और सिखाना। सो US एंड UK में ऐसी 2 बड़ी कॉन्फ्रेंसेस होती है जहाँ पे मेरा सौभाग्य है, हमारी कंपनी का सौभाग्य है मेहंदी कल्चर का, जहाँ पे हमें इनवाइट करके वहाँ पे ये मौका मिला। जी बहुत ही अच्छी बात है कि आप विदेश में भी काफ़ी, मैं तो सूरत की बात कर रही थी लेकिन निमिषा जी सूरत तक सीमित नहीं है, वो मतलब इंटरनेशनल आर्टिस्ट भी अभी कही जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से उनको बुलाया जाता है कॉन्फ्रेंसेस में, और साथ में काफ़ी जगहों पे मैंने देखा है कि आउट कंट्री में भी आप काफ़ी जगहों पे मेहंदी के लिए भी आप जाती है जी। तो बहुत ही अच्छी बात है। निमिषा जी बहुत कुछ आपने कहा आपकी लाइफ जर्नी के बारे में जी। कोई ऐसी जो है मतलब कि स्पेशल हो आपके लिए जी, जिसको आपने मेहंदी लगाई है जी, और वो कुछ यादगार कुछ किस्सा बना हो आपके लाइफ में ऐसा कुछ? जैसे मैंने बताया बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, बट मुझे लगता है कि सिर्फ एक किस्सा बताना इतना सही नहीं होगा, क्योंकि जो शायद वो सेलिब्रिटी हो या नॉर्मल पीपल हो या कोई भी, अपने आप में सब लोग एक सेलिब्रिटी है जी। उन लोगों के लिए शायद ये पहला मौका होता है जहाँ पे वो हमसे जुड़ते हैं मेहंदी लगाने के लिए जी। पर हमारे लिए शायद हर रोज़ की ये बात होती जी, है। तो ये एक अपने खुद के साथ का
समझा हुआ एक अनुभव है कि खुद का नहीं, सामने वाले का ये पहला मौका है, पहला अनुभव है, तो मैं उनको स्पेशल कैसे बना सकती हूँ। और मैं हमेशा ही ऐसा हर एक क्लाइंट के साथ में मैं जी हूँ। और यादगार में शायद मैं एक चीज़ यहाँ पे ये ऐड करना चाहूँगी कि जैसे मैंने बताया कि हर एक चीज़ फ्री का वैल्यू नहीं है या होना नहीं चाहिए, पर एक स्टेज के बाद हम लोगों ने समाज में हम लोग क्या कर सकते हैं। तो हमारी कंपनी एक सोशल एंटरप्राइज है जहाँ पे वो मेहंदी के थ्रू लोगों को, फीमेल्स को स्पेशली एम्पावर करती है, जहाँ पे ऐसी कैटेगरी के लोग जो अंडर प्रिविलेज है, फिजिकली चैलेंज्ड है, सोशली बाहर नहीं निकल सकते हैं, कुछ सेक्स वर्कर्स हैं, हम उन सब लोगों के साथ में जुड़ के उनको मेहंदी सिखाते हैं, उन्हीं से मेहंदी का काम करवाते हैं और उन्हीं को हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। सो हम एक नया एक इनिशिएटिव लेके कुछ सालों से चले हुए हैं और बाय द गॉड्स ग्रेस हम लोग काफ़ी लोगों को इस तरीके से मेहंदी के थ्रू एम्पावर करते हैं। जी जी, मतलब आप मेहंदी के थ्रू काम करवाती है, काम देती है और रोजगारी देती है एक तरह से कहा जी, जाए जी, तो उनको कुछ पैसा मिलता है तो वो कुछ अदर काम करते हैं, वो नहीं करते हैं, अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात थी निमिषा जी, जो आपने अभी अभी जो बताई है वो बहुत ही महत्व की बात थी। और लास्ट में जाते जाते जी निमिषा जी, बहुत अच्छी आपने बातें कही हैं आपके बारे में, आपकी लाइफ जर्नी के बारे में शेयर किया है आपने बहुत कुछ, लेकिन हमारी वुमन्स जो है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? वुमन्स डे पे ये हमने जो कार्यक्रम रखा है जी, कि एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और निमिषा जी कुछ कहेंगी आपसे जी। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि हम सबके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं और हमें वो खूबी को कहीं ना कहीं खुद से ही तराशने की ज़रूरत है। आपको शायद आज पैसा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, पर आपको क्या काम करने में मज़ा आता है। आत्मनिर्भर का मतलब शायद सिर्फ और सिर्फ पैसे से मत रिलेट करिए, शायद आपको परिवार को खुश रखने में बहुत मज़ा आता है, वो भी एक कला है, आप उसको भी कैसे आगे निखार के ला सकते हैं। जो भी आप करें दिल से करें, दिमाग के साथ में जुड़ के करें, ताकि आप हमेशा खुश रह सके, आपके आसपास के वातावरण को खुश रह सके और अपने आप के साथ में अंदर से जुड़े रहिए, खुश रहिए और हमेशा लोगों को खुशियाँ बांटते रहिए। जी बहुत ही बढ़िया बात कही आपने। तो विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, और हमारे साथ थी आज निमिषा पारेख जो एक बहुत ही फेमस मेहंदी आर्टिस्ट है। तो निमिषा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू। और ऐसे so ही much. हम दूसरी ऐसी ही आत्मनिर्भर महिलाओं के साथ ऐसे ही हम और उनकी लाइफ जर्नी, सक्सेस स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी जानने के लिए वापस आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।